नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन यूज इन वेटनरी, मतलब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन का वेटनरी में उपयोग कैसे करते हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग वेटनरी में बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टेबलेट या बोलस एवं इंजेक्शन के रूप में या दोनों में आता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का कंसंट्रेशन दो प्रकार का होता है। एक 1 ml इंजेक्शन में 50 मिलीग्राम घुला हुआ होता है एवं दूसरा जो अन्य प्रकार का होगा उसमें 1 ml में 200 मिलीग्राम पर ml घुला हुआ होता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये दोनों प्रकार का इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध है, पर वेटनरी में मेनली 50 मिलीग्राम पर ml वाला ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ही उपयोग में लाना चाहिए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ही उपयोग में लाते हैं 200 मिलीग्राम पर ml वाला लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किन किन बीमारी में करते हैं एवं किस किस मेडिसिन के साथ इसका उपयोग करेंगे और किस किस मेडिसिन के साथ उपयोग ना करेंगे, इस सभी के बारे में इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह भी इसमें डिस्कस किया जाएगा कि कितना डोज में उपयोग में लाते हैं, इन सभी बातों को विस्तार से बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारता है एवं उसके ग्रोथ को रोकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर काम करता है, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करता है एवं एरोबिक एवं एनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया को भी पर भी काम करता है। मतलब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारता है, नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारता है एवं उसके विकास को रोकता है और एरोबिक एनएरोबिक बैक्टीरिया पे भी काम करता है और उसको मारता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक एवं एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। कई बार ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा प्रोटोजोअल बीमारी एवं वायरल बीमारी में भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने एवं इलाज के लिए उपयोग में लाते हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पशु में होने वाले लगभग सभी बीमारी में उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का कुछ साइड इफेक्ट है इसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यह दूध को कम करता है, यह गाभिन पशु के लिए सुरक्षित नहीं है एवं इंजेक्शन लगाने पर जलन करता है। अगर आपके पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन के अलावा कोई दूसरा एंटीबायोटिक नहीं है एवं दूध देने वाली पशु में लगा रहे हैं तो साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाएं। अगर पशु में बुखार हो तो बी कॉम्प्लेक्स का आधा डोज ही लगाना चाहिए एवं अगर बुखार ना हो तो पूरा डोज लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर कभी आपने गलती से गाभिन पशु को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगा जो कि लगाना नहीं था, क्योंकि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन गाभिन पशु को नहीं लगाया जाता है, तो उस स्थिति में आप हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट यह होगा कि गाभिन पशु को दूध तो कम होती ही है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन देने के बाद दूध और कम हो जाएगा और हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देने पर दूध लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जब आप दे देते हैं गाभिन पशु में तो उस समय हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देना जरूरी होगा। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के कारण होने वाले जलन को कम करने के लिए इंट्रावेनस IV या नस में लगाना चाहिए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का 3 रूट होता है, IM इंट्रामस्कुलर मतलब मांस में, सबकट चमड़ी में, या IV इंट्रावेनस नस में। इसके अलावा जो ड्रिप चढ़ाते हैं, पानी जो चढ़ाते हैं उसमें DNS, RL या इंटरलाइट लगाते हैं, उसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन डालकर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मिथाइल कोवालामिन, ट्राइविवेट, टोनोफॉस्फेन, डेक्सामेथासोन को मिलाकर आप जो ड्रिप चढ़ाते हैं उसमें मिला करके उपयोग में ला सकते हैं, या उसके साथ आप ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को मिलाने से कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किसी दूसरे एंटीबायोटिक के साथ न करें। प्लेन कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट का उपयोग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के साथ न करें।
ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का स्टोरेज धूप में या फ्रिज में नहीं करना चाहिए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का स्टोरेज मतलब रख रखाव रूम टेम्परेचर पे करना चाहिए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन अगर आप धूप में रखेंगे या फिर फ्रिज में रखेंगे तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो इफिकेसी होगा, जो इफिशियंसी होगा वो कम हो जाएगा। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 1 ml जिसमें 50 mg घुला हुआ हो उसे 1 ml का उपयोग 10 kg बॉडी वेट पर करना चाहिए। जैसा कि अगर मानते हैं कि बकरी का वजन 20 केजी का है तो उसे 2 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन देंगे। अगर इसी प्रकार 30 केजी का बकरी है तो उसे 3 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन देंगे। वहीं अगर बड़े पशु का बात करें तो भैंस का अगर वजन 400 केजी है तो उसमें 40 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन देंगे, और अगर 300 केजी का अगर भैंस या गाय है उसमें 30 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगाना सेफ रहता है। दोस्तों, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग घाव पर भी कर सकते हैं, जैसे थन में घाव हो या सिंग पे या कहीं भी घाव हो उसके ऊपर में ट्रॉपिकल यूज कर सकते हैं, सरफेस पर लगा सकते हैं। तो ये था ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।